किसान ओपन स्कूल में मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये पथरीली ज़मीन है, पूरी पत्थरों वाली, ये देख सकते हैं। और इस ज़मीन, ये देखिए अंदर, इस ज़मीन में भी कितना शानदार ये टमाटर की फ्लावरिंग पूरी तरीके से सेट हुई है। ये देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से, और इंटर नोट तक पूरे के पूरे टमाटर, ये गुच्छा का गुच्छा बना है। एक पौधे पर 100 से 150 टमाटर लगे, ये देख सकते हैं आप नीचे से। ये बहुत ही शान पथरीली ज़मीन, और ये देख सकते हैं आप टमाटर नीचे से लगते लगते पौधे पर, ये इंटर नोट तक सेटिंग हुई है पूरी तरीके से। तो मिट्टी अगर पथरीली है तो टमाटर की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है ये। इतना टमाटर लगता है इस पौधों पर जिसका कोई जवाब नहीं। ये लगा है 5 का, ये देखिए, ये आप देखिए, आपको नीचे से दिखाते ले चलता हूँ। ये लगा है यहाँ से स्टार्ट होते हो, ये देखिए पूरा, और ऊपर तक फ्लावरिंग सेट हुई है। ये बहुत ही शानदार है। ये देखिए ये पौधे पर, देखिए ऐसा नहीं कि एक ही पौधे पर, ये प्लॉट के बीचों बीच के पौधों को आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार फ्लावरिंग सेट हुई है। ये इसीलिए पथरीली ज़मीन पर भी खेती करना है बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। पथरीली ज़मीन पर जो अपन पानी चलाते हैं ड्रिप से, वो पूरा पानी पौधा सोख लेता है जितना उसको चाहिए, उसके बाद वो वाष्प बन के चले जाता है या ज़मीन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे पौधे को नुकसान कम होता है पथरीली ज़मीन में टमाटर की खेती करने से। तो ये बेनिफिट है।